The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, so let's talk about fever. Fever कब dangerous होता है? When is fever an emergency and is it any kind of emergency? What kind of emergency? When should you go to an emergency? When should you go to a doctor? What should you do about fever? And etc. 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 I hope आप मेरे videos देखते हैं, then you should know that fever is not your enemy. Fever is not the problem always. Because it is just a temporary increase in your body temperature and it is temporary. It is supposed to kill the bacteria, kill the virus. So fever आपका defense mechanism है. Fever आपके लिए बुरा नहीं है. Fever एक symptom है. Illness नहीं है. लेकिन fever अच्छा है या कुछ लेवल तक बुरा भी हो सकता है. यानी fever is good for fighting infections and illnesses, but it can damage your body also. Just like a knife, a gun, a bullet, जब कोई चीज़ किसी भी और चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है तो वो आपको भी पहुंचा सकती है. इसीलिए आपको जब fever high temperature, high grade में पहुंचता है तब आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. तब आपको समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है. टिपिकली जो फीवर होता है वो एक इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स से आपके इम्यून सिस्टम पैदा करती है, ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो बैक्टीरिया वायरस को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. कुछ लोगों में ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकते हैं जहां पर इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को अटैक कर रहा है और उनको उस समय फीवर हो जाएगा. सो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं. हर जगह का इन्फेक्शन, कान का, साइनस का, गले का, लंग्स का, स्किन का, पेशाब की नली का, ईयर नोज थ्रोट का, किसी को ब्लड में क्लॉट्स हो, किसी को अपेंडिसाइटिस हो, आईबीडी हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो, कैंसर हो, इन सब में फीवर हो सकता है. इन सब में, कैंसर में भी ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो फीवर कर सकते हैं. बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी को भी फीवर आ सकता है. बच्चों में तो टीथिंग के टाइम पे फीवर आ सकता है, इम्यूनाइजेशन की वजह से फीवर आ सकता है थोड़ा बहुत, एक आध दो दिन के लिए. सो फीवर इज ऑम्नीप्रेजेंट, सबको होता है, सबको कभी ना कभी होगा. तो पॉइंट इज फीवर कब डेंजरस है, बहुत जरूरी आपसे सारा लेना देना है. व्हेन शुड यू सीक हेल्प, कब आपको फीवर को डेंजरस मानना है और कब नहीं, यही सवाल है सारा दुनिया भर में. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. इफ यू, अगर आपको या आपके बच्चे को, बिकॉज बच्चों में फीवर को ज़्यादा सीरियसली लेना होता है कि बच्चों में कई बार उनको बताना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या हो रहा है, इसलिए बच्चों में फीवर को हमें ज़्यादा सीरियसली लेना है. आपको एमरजेंसी से पहले मेडिकल हेल्प लेना है, एमरजेंसी तक नहीं पहुँचना है. बच्चों में अगर 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने से का बच्चा या उससे छोटा है और उसका रेक्टल टेम्परेचर, नीचे से लिया हुआ टेम्परेचर 100.4 डिग्री से ज़्यादा है, या फिर 3 से 12 महीने का है और ओरल टेम्परेचर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. यानी 3 महीने से छोटा हो तो माड़ा मोटा फीवर भी सीरियस है, 3 महीने से ऊपर है तो 102 तक हम वेट कर सकते हैं, यानी घर पे ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना है. अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है और उसका फीवर जो है 24 घंटे 48 घंटे तक रह गया तो भी इसे हम एक तरीके से साइन बोलेंगे कि आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. अगर कोई एडल्ट है, उसको फीवर है और फीवर एमरजेंसी बन जाता है 105 डिग्री पर, 105 डिग्री का फीवर है या 103 डिग्री का फीवर है जो बढ़ता जा रहा है और 48 घंटे से ज़्यादा है, यानी 103 डिग्री फीवर लगातार 48 घंटे 2 दिन लगातार 103 डिग्री फीवर है, कमी नहीं हो रहा, या 105 डिग्री फीवर है, तब ये हो जाती है आपकी एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी. यहाँ पर फीवर डेंजरस है, ये बात सोचने वाली है. एडल्ट्स में, एडल्ट में 105 डिग्री 103 डिग्री की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा उसके लिए 102 डिग्री भी डेंजरस है, और 3 महीने से छोटा है तो उसका 100.4 डिग्री भी हम डेंजरस मान के चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात आती है। अब एक और कारण है जिसमें आप तुरंत अस्पताल दौड़ेंगे, अगर फीवर के साथ रैश है या ब्रूजिंग है, फीवर के साथ स्किन पे काले काले निशान आ रहे हैं या रैश आ रहा है, तब वो एक, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या पेशाब करते समय फीवर आ रहा है, देन आपको दिक्कत हो सकती है किसी प्रकार का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। बच्चों के केस में आप जाएंगे पीडियाट्रिशियन के पास, बड़ों के केस में फिजिशियन के पास। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है, राइट। So it is not very hard to believe, but fever is a good thing. It means your body has protection. Your body is fighting your illness. बीमारी को आपको बचाया जा रहा है. So you have to remember what is the normal temperature and what is fever. So anything which is there below 98.6 degree is normal. So 99 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरीज बिटवीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, थ्रू आउट द डे। हम थर्मोमीटर में 98.6 नॉर्मल माना जाता है, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूरे दिन में शाम को उससे ऊपर जा सकता है, 99.5 तक हो सकता है। यस, सो एनीथिंग अबव 99.5 यानी ऑलमोस्ट 100 टच किया तो उसको हम फीवर मान सकते हैं, लेकिन 99.5 से नीचे और 97.7 से ऊपर ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। सो 97 से नीचे जा रहा है मतलब बॉडी ज़्यादा ठंडी हो रही है, समहाउ। क्यों ठंडी हो रही है? मे बी ठंड है, मे बी समथिंग और दी अदर, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीवर एंड व्हाट शुड यू डू। सो एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग लेवल समझना है, ठीक है। जे 100.4 3 महीने से छोटा, 102.2 1 साल से छोटा, और 1 साल एडल्ट है या उससे बड़ा है तो आप उसे 103 फीवर 24-48 घंटे तक लगातार, या 105 फीवर लगातार है तो आप तुरंत कंसल्ट करेंगे। सो अगर आपका घर पे फीवर हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है। पहला, हैवी क्लोथिंग या ब्लैंकेट्स को आप हटा दें और सराउंडिंग को थोड़ा सा कूल करें, कोल्ड नहीं, चिल नहीं करना, फ्रीज नहीं करना है। और अगर आप स्पॉन्जिंग करेंगे तो स्पॉन्जिंग ठंडे पानी से नहीं करना, ल्यूकवार्म, नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा ल्यूकवार्म वाटर से करें, ताकि वो हल्के हल्के धीरे धीरे टेम्परेचर स्लो करे नीचे। आधे घंटे में टेम्परेचर लो हो जाएगा या ज़्यादा 1 घंटे में हो जाएगा। पैरासीटामोल, एसिटामाइनोफेन दे सकते हैं डॉक्टर के डोज के वज़न के हिसाब से, एडल्ट के और बच्चे के हिसाब से। एस्पिरिन नहीं देना भैया गलती से भी। पानी खूब सारा पीना, बिकॉज फीवर से डिहाइड्रेशन हो सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन डू। अल्कोहल रब्स, ऐसे आइस बात नहीं करना है, दिस कैन कॉज शिवरिंग। बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं अगर शिवरिंग हो जाती है तो, इसीलिए डू नॉट डू दैट। सो दिस इज माई advice to you about fever. Thank you so much. Please share this video and stay connected, stay healthy.